हाय, हेलो। तो जब फैमिली ने सब डिसाइड कर लिया था तो यहाँ पर अकेले मिलने का क्या मतलब? मैं समझी नहीं। देखो, मैं मानता हूँ कि फैमिली ने मेरे लिए अच्छी लड़की ही चुनी होगी, मगर मेरे माइंड में दो तीन क्वेश्चन थे जो मैं वहाँ नहीं पूछ पाया। ओके, जब सब पूछ लिया था तो ये भी पूछ लेते। नहीं, वो बात ना फैमिली के सामने होने वाली नहीं थी। ओके, पूछो क्या है आपके क्वेश्चंस। देखो, बुरा मत मानना, मैं तुमसे पूछना चाहता था कि बोलो। एक्चुअली मैं वर्जिन हूँ, और मैं चाहता था कि मुझे लड़की भी वर्जिन ही मिले। तो अगर आपका कोई रिलेशन रहा हो तो आप अभी भी मुझे बता सकते हो। सच में आप वर्जिन हैं? और आप? जब मैं वर्जिन लड़का ढूंढ रही होंगी तो ये क्लियर है ना, मैं भी वर्जिन होंगी। ओ रियली? ओह दैट्स ग्रेट। चलो फिर अपने पापा को बोलो, मैरिज की डेट फिक्स करो। श्योर। ईशा, ईशा हाँ, कहाँ खो गई? लगता है भाभी जी को मायके की याद आ गई। ईशा, ये तुम्हारा देवर है गौरव। हाय। हाय भाभी जी, कॉन्ग्रेट्स फॉर न्यू लाइफ। क्यों गौरव, कभी देखी है किसी की ऐसी वाइफ? गर्लफ्रेंड तो देखी है पर वाइफ नहीं देखी। तू साले अब गर्लफ्रेंड के चक्रों से निकल और शादी करवा ले। देखा कितनी अच्छी लड़की मिली है मुझे। सही बात है यार, मानना पड़ेगा, जंग जीत गया तू तो। और कितना शर्मा होगी, क्यों? 2 दिन हो गए यही सब करते हुए, अभी भी इसी चीज को लेके शर्मा रही हो। क्या करूं, मैंने पहले कभी ये सब किया नहीं ना, तो इसीलिए थोड़ा अजीब लगता है। मैं समझ सकता हूं, तुम वर्जिन थी ना, और स्टार्टिंग में ये चीज थोड़ी मुश्किल लगती है ना। आज के लिए बस इतना ही। मैं नहीं चाहता तुम हर रोज एक ही दर्द सहो। ठीक है, गुड नाइट। यार सही तो है, ईशा कहीं दूर थोड़ी ना गई है, दोस्त के पास ही है। जब दिल किया मिल लूंगा। हैरी, हैरी,
ये लो बैग। थैंक यू। अच्छा सुनो, शाम को जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। अच्छा, इतना प्यार हो गया हमसे? अटैचमेंट नाम की भी कोई चीज होती है ना जान। स्टॉप ईशा, ये सब करने के लिए रात होती है ना, और मैं वैसे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आधा घंटा लेट नहीं जा सकते क्या? नहीं, फिर बॉस बोलते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। और हाँ, वो गौरव आएगा, उसका कुछ सामान पड़ा है, उसे दे देना। ओ ईशा, मतलब ईशा भाभी, और बताओ कैसी हो? ठीक। अंदर आओ। यार ये तो कमाल ही हो गया, तुम मेरे फ्रेंड के साथ ही। हाँ यार, वो ना मुझे पता नहीं था कि हैरी तुम्हारा फ्रेंड है। मगर उसे तो वर्जिन लड़की चाहिए थी। तो मैंने उसे यही बोला था कि मैं वर्जिन हूँ। मगर वो सब तो ओपन था। अरे समझा करो ना यार, तभी तो मैरिज की डेट मेरी डेट के हिसाब से रखी गई, क्योंकि कहते हैं कि उन दिनों वर्जिन लड़कियों का भी सब कुछ खुला होता है। और बताओ कैसे जा रही है तुम्हारी रातें? ठीक ही है, शादी के 2 दिन बाद ही गैप पड़ गया। ओह फिर? कुछ नहीं, चलो छोड़ो, तुम जो लेने आए हो वो ले जाओ। फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और ही लेना चाहिए। ईशा, जल्दी से एक अच्छी सी चाय बनाओ यार। ईशा क्या हुआ तुम्हें, ऐसे बेड पे क्यों लेटी हो? ईशा क्या हुआ तुम्हें, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने सारी हड्डियां तोड़ दी हैं। मैं समझ सकता हूँ, शादी के 2-3 दिन बाद हमने लगातार जो किया ये सब उसी की वजह से हो रहा है, इसीलिए तो मैंने कल रात कुछ नहीं किया, नहीं तो ये पेन और बढ़ जाना था। चलो तुम रेस्ट करो, मैं खुद चाय बना के लाता हूँ। किसका फोन था? कुछ नहीं, वो ऐसे ही। ऐसे ही? ऐसे ही मतलब वो कंपनी वालों का था, सारा दिन फोन करते रहते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, वो ले लो। फिर तो अच्छा किया डिस्कनेक्ट करके, वैसे भी ये फ्रॉड ही होते हैं। Thank you.
करो ईशा। क्यों बस करो? वो मेरा। क्या मेरा? वो मेरा ऐसे ही हो गया।